नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया हाजिर हूं आपके सामने बजट 2020 पर अपना छोटा सा एक डिस्कशन लेकर के, जिसका टाइटल मैंने दिया है स्लैब रेट इशू। ये मैंने इशू वर्ड क्यों यहां पर यूज किया है सर, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब तक शायद आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि सरकार ने जो स्लैब रेट के संदर्भ में परिवर्तन की बात करी है, वहां पर कुछ क्लैरिटी का अभाव मार्केट में अभी प्रतीत होता है। तो मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू सर स्लैब रेट से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूं। सबसे पहले सर, जैसे माननीय वित्त मंत्री महोदया ने आज बजट में अपनी बात रखी एंड शी हैज प्रपोज्ड, उन्होंने ये बोला कि जैसे कि पहले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लायबिलिटी निल थी, वो सेम है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लायबिलिटी लगेगी, तब जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है पहले की व्यवस्था में। अब इन्होंने 5 से 10 लाख वाले स्लैब को तोड़ने की बात करी है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है, यानी 5 लाख 1 से 7.5 लाख, तो आपको 10% की टैक्स लायबिलिटी, जबकि पहले यहां पर 20% टैक्स लायबिलिटी लगती थी। और यदि आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख यानी 7,50,001 से लेकर 10 लाख के बीच है, तो आपको 15% की टैक्स रेट लगेगी। तो यहां पर भी 5% की रिलीफ प्रस्तावित है। अगर पहले आपकी टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा होती थी तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, अब इन्होंने यहां भी दो स्लैब बना दिए 15 लाख तक, 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पर 20% और 12,50,001 से लेकर के सर 15 लाख रुपए तक की इनकम पर 25% की टैक्स लायबिलिटी लगेगी। और पूर्ववत यदि आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% की टैक्स लायबिलिटी फाइनली देनी होगी। तो ये सर नए स्लैब बन गए कि 2.5 लाख तक निल, 2,50,001 से 5 लाख तक 5%, 5,00,001 से 7.5 लाख तक की टोटल इनकम पर 10%, 7,50,001 से 10 लाख तक 15%, 10,00,001 से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से ऊपर 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर 30% की टैक्स लायबिलिटी आपके लिए लागू होगी। पुराना स्लैब क्या था सर हमारे सामने, 2.5 लाख तक टैक्स लायबिलिटी निल थी, सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक की टैक्स लायबिलिटी निल थी, और यदि आपकी उम्र 80 वर्ष या अधिक थी रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी आप सुपर सीनियर सिटीजन थे, तो आपको 5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल रही थी। 2.5 लाख से ऊपर यानी 2,50,001 से 5 लाख तक आपको 5% की टैक्स लायबिलिटी, 5,00,001 से 10 लाख तक 20% की टैक्स लायबिलिटी और 10 लाख से ऊपर 30% की टैक्स लायबिलिटी लागू होगी। यह पुराना स्लैब हुआ और नया स्लैब मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब इन दोनों स्लैब के बीच में क्या गणित बैठ रही है इस बजट के थ्रू, मैं वो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। अब सर यहां देखिए, मैंने एक प्रश्न आपके लिए रखा है कि वेदर न्यू स्लैब रेट इज ऑप्शनल, ये क्या बात हुई सर? सारी जो विवाद की जड़ है या जब सारा मुद्दा पैदा हो रहा है सर, वो इसी वजह से हो रहा है कि जब हम बजट भाषण सुन रहे थे तो हमें लगा कि स्लैब रेट्स बदल दी गई हैं और इस प्रकार से हमारे को टैक्स में रिलीफ मिलने जा रहा है, लेकिन सर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है कि पुरानी स्लैब रेट्स मेंटेन्ड है और नए स्लैब रेट का एक ऑप्शन सरकार ने बना दिया। ऑप्शन यानी आप चूज करिए कि आप नए स्लैब रेट से टैक्स होना चाहते हैं या आप पुराने टैक्स रेट के सिस्टम में रहना चाहते हैं, यानी कॉल इज टू बी टेकन बाय द असेसी। असेसी को तय करना है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जो वो इनकम कमाएगा, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो सैलरीड पेड हो, वो उस इनकम के संदर्भ में अपनी टैक्स रेट नए स्लैब रेट से लेगा या पुराने स्लैब रेट से लेगा। यदि आपको नई स्लैब रेट चूज करना है तो इन्होंने प्रपोज किया, टू अवेल दिस न्यू स्लैब रेट वन हैज टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR। तो यदि मैं मान लूं कि आपके लिए वित्त वर्ष 2020-21 असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई 2021 होगी, तो आपको मेरे उदाहरण में 31 जुलाई 2021 या 30 सितंबर 2021 जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है, उससे पहले एक ऑप्शन क्लेम करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। मे बी ऑनलाइन इसका ऑप्शन आएगा कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर नए स्लैब रेट से टैक्स होना चाहता हूं। और एक अगला प्रश्न, वेदर ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल कंटिन्यू फॉरएवर और इट कैन बी विड्रॉन। तो बेसिकली जो मुझे प्राइमा फेसाई रीडिंग से लगता है वो ये कहा गया है कि यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपने एक बार अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो 5 साल तक लागू है,
परंतु नॉन बिजनेसमैन के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसा इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि वो हमेशा के लिए उस पर लागू हो जाए एक बार नया स्लैब रेट लेने से, या उसे हर साल ऑप्ट करना पड़े। मुझे लगता है उसे हर साल ऑप्ट करने का ऑप्शन सरकार ने दिया होगा। मैं इसी पर और दो तीन बिंदु आपकी नॉलेज में अगली स्लाइड से लेकर के आता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सर, जो हमें यहां समझनी है कि अगर आप ये ऑप्शन ले लेते हैं तो आपको इसकी लागत क्या चुकानी पड़ेगी। मैं स्पष्ट शब्दों में रख रहा हूं आपके सामने बात कि सरकार ये कह रही है, अगर आप इस पर्टिकुलर नई स्लैब रेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ये 1, 2, 3, 4 ये बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। हालांकि और भी लिस्ट में आइटम है, लेकिन मैंने जो मेन मेन मोटे मोटे पॉइंट है वो आपके सामने रखे कि आप LTA बेनिफिट अब छोड़ दीजिए, अब आप HRA का एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर पाएंगे, आपको और कोई स्पेसिफाइड अलाउंस जो 10 क्लॉज 14 में मेंशन है वो नहीं मिलेंगे, चाइल्ड इनकम अलाउंस यानी 1500 रुपए का माइनर चाइल्ड का इनकम अगर आपके यहाँ पर इनकम जुड़ रही है तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है पर चाइल्ड, वो नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन तक सर आपको नहीं मिलेगा अगर आप नई स्लैब रेट का बेनिफिट लेते हैं तो। इसी प्रकार से यदि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है जिसके लिए अभी तक हम 2 लाख का लॉस यानी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन एज लॉस क्लेम करते थे, वो भी सरकार ने मना कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है सर कि आपको चैप्टर 6A के डिडक्शन ATC, ATD, ATDD, ATTTA, ATU, ATCCD यानी NPS से रिलेटेड डिडक्शन तक सरकार ने मना कर दिया। तो क्या चीज यहां पर समराइज कर सकते हैं सर, बात यह है आपको तय करना है कि आप नई रेट में जाना चाहते हैं नई स्लैब रेट में या पुरानी में रहना चाहते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के आदी हैं, जो कि एक अच्छी बात है मेरी ओपिनियन में, तो आप निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट करने के प्रवृत्ति के केस में, जैसे आप ATC रिलेटेड इन्वेस्टमेंट LIC सब करते हैं, म्यूचुअल फंड में आज की डेट में सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, होम लोन सबने ले रखा है, तो ऐसी प्रवृत्ति में ऐसी परिस्थिति में हो सकता है आपको पुरानी रिजीम यानी पुरानी स्लैब रेट का टैक्सेशन कम आए। और यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं, सरकार एक तरीके से ये समझ रही है, या आप जो खर्च करते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका आप इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं लेते, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए नई स्लैब रेट बेनिफिशियल हो सकती है। मैं इसे एक उदाहरण से भी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो जैसा मैंने कहा सर, मैं आपके सामने उदाहरण लेकर के आया कि मान लीजिए नई स्लैब रेट मैंने एक ऑप्शन लिया, ओल्ड स्लैब रेट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे तो ये एक ऑप्शन लिया, और ओल्ड स्लैब रेट में असेसी ने विद इन्वेस्टमेंट क्या डिडक्शन वो लेकर के ऑप्शन क्लेम कर सकता है वो आपके सामने रखा। मैं तीनों ही परिस्थिति में सर असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख मान रहा हूं। मैंने यहां पर ये मान लिया कि अगर आप ए ऑप्शन नई स्कीम में है तो आपको कोई डिडक्शन मिलेंगे ही नहीं, चाहे ATC हो, ATD हो या होम लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट हो। दूसरा परिस्थिति में मैंने ये मान लिया कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, और तीसरी परिस्थिति में आपने जो जो इन्वेस्टमेंट अपनी ओर से हो सकते हैं जितने संभव हैं आपने कर लिए, और भी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जिनको मैंने यहां पर उदाहरण में नहीं लिखा। ऐसी परिस्थिति में सर, पहले ऑप्शन में आपकी टोटल इनकम 15 लाख रहती है, दूसरे ऑप्शन में भी आपकी टोटल इनकम क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे 15 लाख रहेगी, तीसरे में आपके इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिल जाने से आपकी इनकम घट करके रह गई है 11,25,000, जिसे मैं टेक्निकली टोटल इनकम बोलता हूं। अब यदि मैं नए व्यवस्था के अनुसार जो कि सरकार प्रपोज कर रही है इस 15 लाख की इनकम पर टैक्स निकालता हूं तो वो 1,87,500 आता है, और पिछले रिजीम में आप जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे तो आपको टैक्स 2,62,500 देना पड़ता था। यानी आपको सरकार कह रही है कि साहब हमने 75,000 का आपको टैक्स में छूट दे दिया, अगर आपकी टैक्स सेविंग बचत करने की आदत नहीं है तो, आपने कोई होम लोन नहीं ले रखा है तो। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप होम लोन का पेमेंट करते हैं तो आपको ओल्ड रिजीम में मात्र 37,500 का टैक्स देना है, जबकि आपको नई रिजीम में 1,87,500 टैक्स देना है, तो यू विल सर्टनली नॉट ऑट टू पे 1,50,000 एक्स्ट्रा। सो तात्पर्य यह है कि असेसी को चूज करना है कि वो नए स्लैब में टैक्स लेना चाहता है, डिटरमाइन करना चाहता है, या ओल्ड स्लैब में, और जो भी उसको बेनिफिशियल होगा वो उसे फाइनली तय करना है। मैं लाइटर नोट पर यह कह सकता हूं सर
कि बिना एक प्रोफेशनल की हेल्प के इस तरीके का सही डिटरमिनेशन नहीं हो सकता, तो नेचुरली प्रोफेशनल्स का काम यहां पर बढ़ने वाला है। लेकिन मेरा तात्पर्य ये था यहां पर इस वीडियो का कि मैं डिस्कस करूं कि ये स्लैब रेट से रिलेटेड इशू क्या यहां पर क्रिएट हो गया, ताकि हम इसके अनुरूप अपनी वित्त वर्ष 2020-21 की प्लानिंग कर सकें। तो अंत में दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, और बजट से रिलेटेड और भी कुछ इनकम टैक्स के बिंदु हैं जिन्हें मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था तो इसलिए मैंने इसे पहली पहले आपके सामने रख दिया है। आई होप आप इस क्लैरिटी के बेसिस पर अपने नेक्स्ट ईयर की टैक्स प्लानिंग करने में समर्थ होंगे। यदि आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो मुझे निश्चित रूप से उन्हें उत्तर करने में खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।